ठीक है ना, अगर आपको लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है तो क्या होना चाहिए? जापान का नाम सुना है? किसके ऊपर बम गिरा था? किसने गिरा था? कब? वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर बम गिराया, हिरोशिमा नागासाकी। लगभग 3 लाख लोग एक साथ मर गए थे। विद इन 2 डेज 3 लाख लोग लगभग एक साथ मर चुके थे। बहुत बड़ा नंबर है 3 लाख, है ना। सो वहाँ पर 3 लाख लोगों का नुकसान हुआ, और उसके बाद भी रेडिएशंस की वजह से आज भी वहाँ पर जो कोई बेबी होता है वो विकलांग होता है। सुना हो आपने? yes, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं उसमें, है ना। तो वो सब होने के बाद जब वर्ल्ड वॉर टू में यूएस ने बम गिराया जापान के ऊपर, जापान घुटनों पे आ गया था बिल्कुल, और जापान ने यूएस के सामने सरेंडर किया कि हम इसको नहीं झेल सकते हैं और हम सरेंडर कर रहे हैं। अनकंडीशनल सरेंडर है, आप जो कहोगे वो हम मान लेंगे। यूएस ने ट्रीटी साइन कराई थी वहाँ पर जापान से कि आप अपने पास कोई भी मिलिट्री नहीं रखोगे, ठीक है, हम आपका सरेंडर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई मिलिट्री नहीं रहेगी, आपको जो भी चाहिए, आपको जो भी सुरक्षा चाहिए वो सब हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आपकी खुद की कोई मिलिट्री नहीं रहेगी। तो जापान को एक तरह से अंडर कर लिया था यूएस ने अपने, ये चीज समझ आई। अब देखो, एक ऐसा देश जहाँ पर इतना बड़ा नुकसान हुआ है, 3 लाख लोग एक साथ मरे हैं, जो पूरा तरह से घुटनों पर आ गया है और उसका सारा मिलिट्री बेस खत्म हो गया है, वो यहाँ पर अब आज के टाइम में जापान थर्ड सबसे पावरफुल कंट्रीज में से आता है, पता है ना आपको? तो ऐसा कैसे किया उसने? 20 साल बाद ही ओलंपिक्स हो गए थे वहां पर, जापान इतनी जल्दी ग्रो किया कि दोबारा से 20 साल बाद उसने क्या कराया वहां पर? इंडिया में हुए अभी तक? नहीं हुए अभी तक, जापान में हुए थे 20 साल बाद। किस वजह से? एजुकेशन में क्या चीज? डिसिप्लिन। कैसे आया डिसिप्लिन? इसलिए आया क्योंकि यूएस में क्या कह दिया था, आर्मी हटा दो, आर्मी नहीं रखनी है, ठीक है, मिलिट्री पूरी हटा दो। सो वो मिलिट्री के जो बंदे थे वो खाली हो गए, उनकी जॉब्स चली गई, उनको कुछ नहीं करना। तो जापान की गवर्नमेंट ने कहा है कि अब आप लोग बिजनेस में आओ। किस में आओ? आप लोग बिजनेस में आओ। तो जितना भी सारा आपका मिलिट्री वाला पार्ट था वो सब किस में आया? क्या आर्मी में मिलिट्री में डिसिप्लिन होता है? वो हाई लेवल का डिसिप्लिन होता है। वो सारा हाई लेवल का डिसिप्लिन कहाँ शिफ्ट हुआ? बिजनेस में शिफ्ट हुआ। हर एक चीज को इतनी परफेक्शन के साथ, इतनी डिसिप्लिन के साथ बनाया, और आज देखो जापान कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, बहुत आगे है बहुत सारे देशों से। एक ऐसा देश जो इतना ज्यादा गिर चुका था वो इतनी जल्दी कैसे उठ गया ऊपर? डिसिप्लिन की वजह से। हर एक चीज में, कोई से भी आप कार्स यूज करते हो, टोयोटा, निसान, सोनी के कैमरास यूज करते हो, ये सब मिलिट्री के लिए पहले वो बनाया करती थी हथियार, और फिर आगे जाके इन्होंने अपने डिवाइसेस निकालना शुरू किए। सोनी पहले वो बनाती थी दूरबीन मिलिट्री के लिए, बाद में अपने कैमरास बनाने शुरू किए। लेकिन डिसिप्लिन वही मिलिट्री वाला। जापान में पता है कितना डिसिप्लिन है? आप लोगों ने सुना भी होगा, जापान में पूरे साल में ऑन एन एवरेज जो ट्रेन का लेट होने का टाइम है, जो ट्रेन्स होती है ना, ट्रेन्स ऑन एन एवरेज पूरे साल का बता रहा हूँ, 5 से 6 सेकंड है, 5 से 6 सेकंड। सोचो अगर किसी दिन ट्रेन लेट हो गई ना, किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी वजह से, एक्स वाई जेड, तो टीटी आके आपको टिकट देगा कि आप ऑफिस में 10 सेकंड लेट आ रहे हो, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी वजह से लेट हुई है, आपको ऑफिस में कोई टोके ना तो आप उसको दिखा देना। इतने ज़्यादा पंचुअल हैं वो अपने टाइम पे, उनके लिए लेट होने का मतलब है लेट, इंग्लिश वाला लेट, समझ लो। लेट किसके आगे लगाते हैं हम लोग? फिर किसी की डेथ हो जाती है, तो उनके लिए यही मतलब है। अगर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई टाइम से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी डेथ हो गई है। डेट इज वाई इतनी तेज उन्होंने इकोनॉमिकल ग्रोथ की, गोल सेट की है। जब वो इस कंडीशन में था ना, तभी उन्होंने गोल सेट कर लिया था कि हमें 10 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 पर होना है। उनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे, लेकिन 10 साल में अचीव किए। और यहाँ पर रुके नहीं कि एक गोल अचीव हो गया तो रुक गए, उसके बाद फिर अगला बोल लिया कि हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या स्टील इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 होना। स्टील बनाने के लिए जो मटेरियल्स की जरूरत होती है उनके पास कुछ नहीं था, वहाँ लैंड में उनको मिलता ही नहीं था, फिर कैसे बनेंगे नंबर 1? बाहर से एक्सपोर्ट करा, और 10-11 साल के अंदर जापान नंबर 1 मिला। किसकी वजह से? क्या है मेन चीज? डिसिप्लिन। कोई एरर नहीं, कुछ भी एरर नहीं करते हो, पार्ट्स पर मिलियन में तोड़ देते हैं हर एक काम। कोई भी कंट्री है ना, अपने प्रोडक्ट की तारीफ करेगी, लेकिन प्रोडक्ट यूज किसका करती होगी? जापान।
क्योंकि वो इतना ज्यादा परफेक्ट होता है, उसमें कोई एरर के चांसेस ही नहीं बचते। दिमाग में बैठा रखा है, नो एरर। उनका अगर कोई वर्कर काम भी कर रहा है ना, दिमाग में ये चल रहा है नो एरर। ये कैसे आता है? डिसिप्लिन से आता है। डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में आना, और डिसिप्लिन छोटी छोटी हैबिट से बनता है।